हैं तो हमारे घर पे पैसा आता है। तो इम्प्लॉय का काम का क्या होता है, 8 से 10 घंटे अगर वो टाइम देता है तो उसे उसके बदले पैसा मिलता है, समय देता है तो उसे पैसा मिलता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के पास 8-10 घंटे अगर जॉब पे दे देता है तो टाइम कितना बचता है, 24 घंटे ही होते हैं, 6-7 घंटे सोने में चले जाते हैं, 2-4 घंटे खाना बनाया, फिर सुबह उठा, फिर यानी 300 दिन यही काम होता है। उसके पास ना तो ज़्यादा पैसे होते हैं ना ज़्यादा टाइम होता कि वो पैसे इतने हो कि खर्च करने में भी उसे घबराहट होती है। 30 तारीख आते आते उसका पूरा पैसा खत्म हो जाता है, 1 से 10 के बीच सैलरी आती है, 30 के पहले पहले उसका पेमेंट खत्म हो जाता है और फिर वो इंतजार करता है कब सैलरी आएगी। तो ऐसी हमारी लाइफ कटती है, सभी की होती है कि नहीं होती है ना। लेकिन बिजनेसमैन जो होते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय और बिजनेसमैन में मैं अंतर बताती हूँ। सेल्फ एम्प्लॉय तो भी यहाँ कोई है नहीं और इन्वेस्टर भी नहीं, बस दो ही चीजों में मैं पहले फर्क बता देती हूँ कि यहाँ पे ये 8 घंटे जिस फैक्ट्री में आप काम करने जा रहे हो वहाँ 8 घंटे दे रहे हो तो आपको पैसे मिले, वही जो उस फैक्ट्री को चला रहा है वो बिजनेसमैन हो गया, जो उस फैक्ट्री का मालिक है वो बिजनेसमैन हो गया। आप देखिए कि वहाँ हम अकेले 8 घंटे दे रहे हैं, हमें उसी का पैसा आ रहा है, लेकिन उस बिजनेसमैन के लिए जो वहाँ का मालिक है उसके लिए 1000 लोग काम कर रहे हैं और हर लोग 8-8 घंटे दे रहे हैं तो 8000 घंटे काम हो रहे हैं। तो जितना हम साल भर में पैसे नहीं कमाएंगे उतना वो एक दिन में पैसे कमाता है। तो यहाँ बिजनेसमैन के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो एक आम आदमी के पास नहीं होती है। लेकिन अगर हम बोले कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, अगर आपको बोला जाए कि आपको ये लाइफ अच्छी नहीं लगती, आप इसमें खुश नहीं हो, जो खुश है उनके लिए तो ये चीज़ें नहीं है, लेकिन जो अपने जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं, उसी हालात में जीने के लिए तैयार हैं, आगे स्ट्रगल नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ चेंज नहीं करना चाहते, उनके लिए ये बिल्कुल भी प्लान नहीं है। लेकिन जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ इस तरह हो जाए, बिजनेसमैन की तरह हो जाए, तो आज के समय में, पहले के समय में तो शायद ये सोच पाना असंभव था कि हम इतना सोच भी पाए, लेकिन आज के समय ऐसा आ चुका है कि हम सोच सकते हैं कि हम भी ऐसे बिजनेसमैन बन सकते हैं जिनके लिए, यानी कि जो अकेले बिजनेस करता है, 1-2 दुकानें चलाता है, 1-2 कुछ वो नहीं होता, वो लखपति नहीं होता, जिंदगी भर अपनी दुकान पे बैठा रहता है और उसको वैसे ही पैसे आते, जब तक वो बैठा रहेगा तो पैसे आएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं आएंगे। वो होती है एक्टिव इनकम। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव इनकम कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए लोग काम करते हैं, जो यानी कि जिस बिजनेस के लिए लोग काम करते हैं, जो लोगों से काम करवाते हैं, पैसा वहाँ आता है। अभी देखो अगर इंडिया में देखा जाए तो अमीर कौन है, मुकेश अंबानी, ये जो अमीरों की कैटेगरी में आते हैं तो वो कभी काम नहीं करते, उनने फ्रेंचाइजी डाल दी या तो सिम, जैसे कि जियो सिम का सभी को दे दिया, आप यहाँ 300 रुपये के सभी रिचार्ज कराते हैं पर उनको 1,00,000 रुपये आ रहे हैं, तो क्या होता है कि लोग उनके लिए काम करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के सपने के लिए काम कर रहे हैं। जब हम जॉब पे जाते हैं ना तो हमें तो पैसा सैलरी मिलती है लेकिन वो हमें समय बेच के मिलती है, लेकिन जो बिजनेसमैन है हम उसके सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ मैं आज आपको आपके सपने पूरे करने की बात बताऊंगी कि आप अपने सपने पूरे कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि मुझे बिजनेसमैन बनना है तो क्या होना चाहिए, सोच सकते हैं कि आप एक बिजनेस खड़ा करने के लिए, आप बताइए क्या आप सोच सकते हैं कि मैं भी एक बिजनेसमैन बनूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैं ये टीम वाली बात नहीं कर रही हूँ, एक जैसे बिजनेसमैन मुकेश अंबानी है या और कोई है, अगर आप सोचे कि मैं भी उतना बड़ा आदमी बनूं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, मैं समझा देना पड़ेगा, है ना। देखो पहली बात तो एक बिजनेस करने के लिए हमें सबसे बड़ा अमाउंट होना चाहिए, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 1,00,00,000 रुपए होगा तभी हम कोई बिजनेस तैयार कर पाएंगे। बिजनेस करेंगे या तो फ्रेंचाइजी चलाएंगे, लोगों से अगर काम करवाना है तो वहाँ भी अगर हम फ्रेंचाइजी भी ले किसी की तो भी हमें पैसा लगेगा। अगर हमारे पास आज इतना ही पैसा है कि हमारा सुबह से शाम तक खर्चा चल रहा है, बस किराए का मकान है, जो भी मकान उसकी किस्तें जा रही है या बच्चों की पढ़ाई फीस, बस किसी तरह मैनेज करके कंप्रोमाइज करके ये सब हम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि बड़ा बिजनेस करो तो क्या आपकी हिम्मत है, नहीं है, क्योंकि आपने इतने पैसे भी इकट्ठा ही नहीं कर सकता, आदमी कैसे करेगा। तो आज के समय में अपॉर्चुनिटी है कि बिना इन्वेस्टमेंट, बिना रिस्क और बिना टेंशन के एक बिजनेस, जो इस लेवल का बिजनेस है जो ये करोड़ों रुपए लगा के कर रहे हैं, वही लेवल आपको यहाँ से मिलेगा। वो अपॉर्चुनिटी आज हम आपको देने वाले हैं, सबसे सिंपल बात कि वो अपॉर्चुनिटी है आज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि अगर वो ठान लेता है कि मुझे करोड़ों रुपए कमाना है, इस कैटेगरी में आना है, मुझे भी मेरा टाइम फ्रीडम, पैसे की आज़ादी, ये सारी चीज़ें अगर चाहिए तो फिर बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी करके आज तक कभी भी कोई अमीर नहीं हुआ है। अगर नौकरी करके अमीर हो जाते तो यहाँ स्थिति दूसरी तरह होती भारत की, है ना। यहाँ लोग नौकरी तो करते हैं लेकिन सिर्फ
कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हैं। तो आप मैं ये बता दो कि कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया कि हमें बिजनेस करना पड़ेगा अगर अपनी लाइफ को इंजॉय करना है, समय को बचाना है, समय का भरपूर आनंद लेना है, पैसे इतने कि कभी कहीं जाए तो जो चीज हमें पसंद हो उसके लिए सोचना पड़ेगा कि इसका एमआरपी है, रुपीज क्या है। अगर इतना अमाउंट कमाना है उसके लिए हमें बिजनेस करना पड़ेगा, और आम आदमी के लिए बिजनेस करना असंभव है। तो बस एक आम आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी है जो चाहता है अपनी लाइफ चेंज करना। अब वो कैसे करते हैं ये तो समझ में आ गया आपको। आप देखिए अभी यहाँ पे अगर पैसे नहीं लगाना तो करना क्या है, वो भी तो मेन बात है ना कि बिना कुछ किए तो कुछ होता नहीं है। तो जो आज तक आप खर्चे कर रहे थे, आपके घर में तेल भी आता है, साबुन भी आता है, पेस्ट भी आता है, शैम्पू भी आता है, हर चीज आती है, ये आपके क्या खर्चे हो जाते हैं। खर्चे कैसे हो जाते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो तो 4,000 आपको खर्चा हर महीने करना ही करना है, ये मजबूरी है। अगर इंसान जब तक धरती में रहेगा उसे ये खर्चे करने ही पड़ेंगे, ना तो पेस्ट करना छोड़ सकता है, ना साबुन लगाना छोड़ सकता, ठीक है ना। इतने तो हमारे खर्चे डेली के महीने महीने लगते ही है। तो यहाँ पे जो हमारी कंपनी है जो आम आदमी को एक रोजगार दे रही, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा कि एक आम आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते कि पैसे लगा के काम कर सके, लेकिन यहाँ ने उन्होंने एक रास्ता निकाला कि जो आप खर्चे कर रहे हो वो खर्चे तो मैनेज करके पैसे कमा सकते हो, जो आप खर्चे कर रहे हो उसी से हम आपको पैसे कमाना सिखाएंगे, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाना। आप जो मार्केट में दे रहे हो वो पैसा कोई और कमा रहा है, क्या वही पैसा अगर हमें आने लगे तो हम नहीं कमा सकते, वो कैसे होता है वो बताते हैं। देखिए जो पैसा हमारे पास आता है, जो सामान आता है, अभी हिंदुस्तान लीवर का आता है, पेस्ट या साबुन जो भी है बाहर से आता है, वो एक कंपनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बनाती है। यहाँ पे हो गया कस्टमर जो एक ग्राहक होता है, यहाँ पे 40 रुपए का अगर कोई पेस्ट बनता है ना, तो कस्टमर के पास आते आते 100 रुपए एमआरपी का मिलता है। आप लेने जाते हो मार्केट में, 100 रुपए का पेस्ट आता है ना, तो ये यहाँ से 40 और 100 जो हो रहा है 60 रुपए का डिफरेंट आ रहा है, ये कैसे हो रहा है। यानी कंपनी तो 40 में बना रही पर हमारे पास 100 रुपए में, वो कैसे हो रहा है वो बता दो। यहाँ से देखिए जब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसका ब्रांड करवाती है, जो अमिताभ बच्चन होते हैं, ऐश्वर्या राय या जो भी ब्रांड एम्बेसडर है वो उसका प्रचार करते हैं, टीवी पे प्रचार करते हैं, लक्स साबुन का हो गया या कोई भी ऐसी चीज हम टीवी पे देखते हैं और जाके ले आते हैं, कभी पूछते नहीं है कि क्या उन्होंने यूज किया या नहीं किया, बस उन्होंने ब्रांड है, हीरो है, बढ़िया सभी लोग उनको पहचानते हैं, बस उन्होंने दिखा दी और हम लेके आ जाते हैं, ठीक। फिर उसका होलसेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं जो कि विदेश से माल लेके आते हैं, फिर रिटेलर होते हैं और फिर होते हैं दुकानदार। 4 लोग हो गए बीच में, इनको लाखों रुपए मिल रहे हैं एक प्रचार करने के, 1 लाख से 2 लाख तक रुपए इनको मिलते हैं, करोड़ों भी मिलते हैं, वो जब जैसा प्रोडक्ट होता है उस हिसाब से इन्हें पैसे मिलते हैं। होलसेलर भी कमा रहे हैं, रिटेलर भी और दुकानदार भी, ऐसा तो है नहीं कि कोई बिना पैसे कमाए आपको सामान दे रहा है, सभी पैसे कमा रहे हैं। लेकिन क्या इन्हें कंपनी पैसा दे रही है, कंपनी तो 40 रुपए में बना रही प्रोडक्ट, यहाँ हमारा जो 60% है वो इन पे बट रहा है, जो हमारी जेब से 60% यानी एक्स्ट्रा लग रहा है वो सब इनमें बट रहा है। तो इनके घर गाड़ियां आ रही, बंगले बन रहे हैं, उसी प्रोडक्ट का प्रचार कर करके ये पैसे कमा रहे, ठीक है ना। तो हमारी कंपनी जो कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है वो क्या करे कि जो ये 60% है, क्यों ना एक कस्टमर को ये जो 60% एक्स्ट्रा जा रहा है, क्यों ना एक जो कस्टमर है जो इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है तो वो एक्स्ट्रा जो खर्चे है उसके उसी को मैनेज करके क्यों ना उसे भी एक ऐसी सुविधा दी जाए जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, अच्छे से जिंदगी जी सके। होते हैं कोई कोई लोग जिनकी अच्छी सोच होती है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जब कंपनी बनाती है, कस्टमर यूज करता है तो इनकी क्या जरूरत है, कंपनी बनाएगी, कस्टमर तक माल आएगा, तो आप साबुन लगाओगे, पेस्ट लगाओगे, अगर अच्छा लगेगा तो 4 लोग को वैसे ही बताओगे, ऑटोमेटिक सेल होना शुरू हो जाएगा, इनकी क्या जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, इनको हटा दिया और अब जो ये 60% पैसा है वो आपकी जेब में आएगा, आपके घर से जो बाहर जा रहा था, बाहर के लोग कमा रहे थे, वो पैसा अब हम कमा सकते हैं। इतना समझ में आ गया कि कैसे करना है, है ना। जो तेल साबुन निर्मा शैम्पू आज तक हम बाहर लेके किसी और को पैसा कमा रहे थे, दुकानदार किसने अभी लॉकडाउन के समय कितनी
खुल गई सब गड़ियां धड़ाधड़, क्योंकि सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक यानी कि दुकानें जो किराने की हो गई और एक मेडिकल की हो गई, जो लॉकडाउन में बहुत तेजी से चल, इसके अलावा बाकी बिजनेस कहीं ना कहीं डाउन हो गए, है ना। तो ये पैसा, ये ऐसा एफएमसीजी का बिजनेस है जो कि कभी भी डाउन नहीं होता, जब तक इंसान धरती पे रहेगा तब तक तेल साबुन निर्मा शैम्पू लगाना बंद नहीं करेगा और ये हमेशा चलता रहेगा। तो हम इस पे भरोसा कर सकते हैं कि जो 60% ही हमारे घर कभी भी आना बंद नहीं होगा, ये ठीक हो गया। अभी कैसे आता है वो बता देते हैं। एक कपड़ा है क्या आगे जी देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन क्या है कि हम लोग ना सिंपल चीजों को कठिन बना, है ना। और ये जिस कंपनी की बात करूं उसका नाम है वेस्टीज, ये वेस्टीज शॉप होगी। वेस्टीज के बारे में आपको बता दूं, 2004 से चल रही है और 17 साल हो गए, अभी 17वीं एनिवर्सरी थी उसकी, है ना। और लगातार ग्रो कर रही है, यानी कि 7 साल से लगातार ऊपर ही जा रही, नीचे नहीं आ रही, यहाँ तक इंडिया में नंबर वन है और 7 देशों में इसका व्यापार बाहर जा चुका है। और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। कंपनी के बारे में जानकारी, यानी 2004 से लगातार चल रही, दिल्ली में ओखला में इसका ऑफिस है। तो इसके 3 फाउंडर है, गौतम बाली सर, कन्वर वीर और दीपक सूद। ये 3 दोस्तों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि एक आम आदमी को कैसे पैसा कमाया जाए, उस तरह से इन्होंने ये काम शुरू किया और 2004 में शुरू किया, 2021 हो गया है। लगातार 17 साल से ये कंपनी रनिंग में चल रही है और कुछ भी इसमें फर्क नहीं आया, और एक्स्ट्रा यानी 2500 करोड़ का इसका टर्नओवर हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो सामान लेने 3600 का, एक घर में एवरेज 3600 का तो सामान आ ही जाता है ना। तो अगर आप दुकान पे 3600 का सामान लेने जाओगे तो 3600 ही आएगा, क्योंकि एमआरपी से 1 रुपये भी कम नहीं करता दुकानदार। यहाँ पे जब उन लोगों को हटा दिया, बीच के लोगों को, यहाँ बिल्कुल एमआरपी में मिलेगा आपको, 1 रुपये भी छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको 3000 का 3600 का सामान 3000 में मिलेगा, क्यों, क्योंकि उन लोगों को हटा दिया, आपको पैसा आपको देने लगे। वो जो 60% कैसा आता है वो मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपको 10% ये छूट मिल जाएगी, तो 600 रुपये ये होगी। अब यहाँ पे क्या कभी दुकानदार कोई आपको प्रोडक्ट फ्री देता है, 3600 का सामान लोगे तो क्या देगा कि चलो फ्री में ले जाओ कुछ और सामान इसके साथ, नहीं देता। यहाँ पे आपको 300 रुपये के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे 3000 का सामान लेते हैं। यहाँ पे क्या कभी कोई कैशबैक आया आपको कि दुकान से आएगा, नहीं आता। आपके काम में कभी बोलता है कि चलो डाल देते हैं थोड़ा बहुत, इतने दिनों से मेरे यहाँ सामान ले रहे हो। यहाँ पे आपको 5% परफॉर्मेंस बोनस आएगा, 3000 का 5% निकालेंगे तो 100 से 150 रुपये हमारे अकाउंट में आता है। क्या आपको इतने दिनों से दुकान पे जा रहे हो, एक ही दुकान पे लेते होगे, एक बार जब अच्छा लगे तो चलो इसी दुकान से बार बार लेते हैं, तो क्या दुकानदार कभी बोलता है कि चलो इतने दिनों से हमारे यहाँ से ले रहे हो, 1 महीने का फ्री ले जाओ, ऐसा भी नहीं बोलता, यहाँ कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पे अगर 4 महीने लगातार अपने घर का सामान ले रहे हो और उसी को रिपर्चेस कर रहे हो, 3000 का बार बार ले रहे हो आप, तो 4 महीने के बाद 5वें महीने आपको 3000 एमआरपी का सामान बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बिना पैसे दिए 1 महीने का राशन आपके घर पे फ्री में आएगा। अब ये सब देखिए, 600 रुपये ये हो गया, 300 के प्रोडक्ट फ्री मिल गए, 150 अकाउंट में आ गया, और 3000 5वें महीने देगा तो 4 महीने का एवरेज निकाल लेते हैं, तो 428 750 के लगभग आपको ये हर महीने पड़ जाता है, 4 महीने का अगर एवरेज निकालेगी 1 महीने में कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 700 का समथिंग कर लेते हैं हम, 50 करोड़ एवरेज छोड़ देते हैं, 700 ही कर लेते हैं, तब भी देखते हैं, 0, 5, 6, 3, 9, 1, 10, 7, 17 1750 के लगभग आपको 1 महीने में रिटर्न दे देती है कंपनी, है ना। 750 के लगभग रिटर्न दे देती है। अब यहाँ देखिए कि हमारा प्रोडक्ट कितने में पड़ रहा है, यहाँ आ रहा है 1250 रुपये में, यहाँ पूरा 3600 खर्च हो गया, सामान आया इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ना। यहाँ आपको 1250 में प्रोडक्ट पड़ जाता है, बाकी चीजें रिटर्न होके आपका ये जो 40 बताया था पहले कि 40 रुपये में बनता है, 100 रुपये में मिलता है, तो वो आपको 40 में ही पड़ जाता है, यानी कि पूरा कंपनी से डायरेक्ट लेने पे हमें 1250 में पड़ जाएगा हमारे घर का सामान, ये फायदे हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम अगर प्रोडक्ट कंपैरिजन करें तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट है,
यही बस नहीं, इंडिया के बाहर भी यूज हो रहे हैं, और ऐसा है जो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं वो भी यही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई शक नहीं कर सकते, लगातार 17 साल से चल रहे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ प्रोडक्ट के साथ हमें क्या मिल रहा वो देखने की बात है, कि यहाँ खाली प्रोडक्ट तो जो फायदे हैं वो तो मिल ही रहे, यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी हमें सामान लेना जरूरी है, लेकिन यहाँ से हमारे सपने पूरे हो रहे, वो सपने जो हम कहीं और से नहीं कर सकते, ना नौकरी से कर पा रहे, ना हमारे पास इतनी पैसे हैं कि हम बिजनेस कर सकें। जब ये सब हमारे पास नहीं है तो एक आम आदमी के पास एक ही रास्ता है कि क्या वो अपना ब्रांड चेंज करके अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। अगर उसे इस प्रोडक्ट से कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही, यहाँ तक कि 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी भी है, 30 दिन के अंदर आप अगर आपको कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जाके दुकान पे सीधे सामान वापस करके अपना पैसा ले सकते हैं, ये भी गारंटी मिलेगी आपको। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या अपनी दुकान नहीं चेंज करनी चाहिए हमें? करनी चाहिए। अब जब दुकान चेंज करेंगे तो कैसे हमारे सपने पूरे होंगे? यहाँ सब पैसे कमाने के लिए आए हैं कि पैसे कैसे कमाए जाएंगे, कैसे करोड़ों रुपए आएंगे, वो जानने के लिए हम बात करते हैं कि अगर आपको ये फायदे अच्छे लगे, मुझे भी अच्छे लगे थे, आज मेरे घर भी 15 से 20 हजार रुपए आ रहे हैं इसी के माध्यम से। तो मुझे भी किसी ने बताया कि ये अपॉर्चुनिटी है। अब मुझे क्या था कि मुझे मेरी लाइफ में कंप्रोमाइज की लाइफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मेरी जिंदगी में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज करना पसंद नहीं था, मुझे लगता था जितनी मेरी क्षमता में उतना काम करूंगी। जब मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई, बिना पूछे बिना सोचे बिना समझे मैंने इसे साइन किया और तुरंत काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे सपने इतने बड़े थे शायद कहीं और से पूरे नहीं हो सकते। जॉब 11 घंटे जॉब पे बैठना, काम करना, ये मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मैं जितनी मेहनत करती थी वहाँ सपने तो जो कंपनी मालिक है उसके पूरे हो रहे थे, मुझे तो मेरी मेहनत का भी पैसा उतना नहीं मिल रहा था जितना मैं 11 घंटे वहाँ मेहनत कर रही थी, उसका भी बहुत कम पैसा अपने जॉब पे आता है। तो सोच लीजिए कि मुझे नहीं पसंद था तो मैंने चेंज किया, मुझे ये फायदे हो रहे हैं। तो अगर आपके भी ऐसे सपने हैं, कई लोग यहाँ नौकरी वाले हैं जो अपनी जॉब से परेशान है, जॉब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं क्योंकि इतना किस्त ले चुके हैं, घर का खर्चा है, अचानक से नहीं छोड़ सकते। तो क्या हम जॉब के साथ साथ जो हमारी जॉब चल रही है अगर हम इसे शुरू करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जॉब से डबल पैसा इससे आने लगेगा, तब तो हम अपना जॉब छोड़ सकते हैं, है ना? इसकी अगर कोई गारंटी लेगी, अगर इस तरह से आपने काम कर लिया तो आप जितनी जॉब पे काम कर रहे हो उससे डबल आपको पैसा आएगा, तब तो हम छोड़ देंगे। कोई नहीं चाहता जॉब पे जाना, मजबूरी है, क्योंकि हर कोई चाहता है हमारा खुद का बिजनेस हो, खुद का काम हो, लेकिन परेशानी यही है कि उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। अभी कैसे आएगा वो बताती हूँ। आपको अच्छा लगा, आपने यूज करना शुरू किया, एक महीने आप खुद करके देख लीजिए, अगर आपको रिजल्ट अच्छा आता है तो ही शुरू करिए, है ना? यूज तो करना पड़ेगा, जब तक यूज नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले हमें खुद को यूज करना है, अच्छा लग गया, ये फायदे सब समझ में आ गए, सब कुछ है, तो क्या हम 10 लोगों को नहीं बताएंगे कि हमें ये फायदे हो रहे हैं? मैं भी बता रही हूँ, आप भी बताओगे, जाहिर सी बात है। तो अगर हमने 10 लोगों को बता दिया, आपने 3000 का सामान लिया, ये भी बताएंगे अपने घर का पूरा सामान चेंज करेंगे तो 3000 तो हो ही जाता है, तो ये 3000 का अगर सामान लेंगे 10 लोग हैं तो यहाँ पे हो जाता है 30,000 रुपए टोटल, है ना? 30,000 रुपए इनके माध्यम से हुआ, 10 लोगों के माध्यम से, पर ये हुआ किसके माध्यम से? हमारे माध्यम से, हमने उन्हें बताया इसलिए हुआ। तो कंपनी हमें यहाँ कमीशन देती है। देखो आप डीमार्ट में जाओगे वहाँ आपको छूट तो मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन कमीशन नहीं मिलता। यहाँ कंपनी हमें कमीशन भी देती है डिस्काउंट के साथ साथ। पहले तो 50% डिस्काउंट, 50 से 60% ही डिस्काउंट हो गया यहाँ पे, उसके बाद अभी 10% के लिए हम मॉल जाते हैं, लेकिन यहाँ 50 से 60% मिल रहा, ये बेनिफिट हो गया। साथ में यहाँ पे हमें कमीशन भी मिलता है। वो कैसे मिलता है कि अगर हमारे माध्यम से आप डीमार्ट का बताओगे किसी को कि जाके ले आओ, वो ले आएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप दुकान तो हर किसी को बताते हो, कोई भी आपका पड़ोसी पूछेगा ये सामान कहाँ से लेके आए, आप बताओगे कि इस डीमार्ट से लेके आ गए, वहां उसे कमीशन छूट मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वो सामान ले आएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वही काम अगर आपने यहाँ कर लिया तो आपको यहाँ पे 30,000 का टर्नओवर अगर कंपनी का होता है आपके माध्यम से, तो कंपनी आपके अकाउंट में 3,000 रुपए हर 10 तारीख को डाल देगी जब तक ये सामान लेते रहेंगे। आपने एक बार बता दिया ना, अब वो अपने घर का सामान जब तक लेते रहेंगे तब तक कंपनी आपके अकाउंट में 3,000 रुपए डालती रहेगी, ये बेनिफिट। अब इसी तरह अगर ये 10 लोग भी अपना इनकम कमाना चाहेंगे, फायदे चाहेंगे, यही सिस्टम है सभी के लिए, यही सिस्टम है, तो वो भी 10 लोगों को बताएंगे, 10 लोगों को बताएंगे तो यहाँ पे 100 लोग हो जाएंगे,
दस अगर एक आदमी के लिए तो 10 ही है ना, कोई ज्यादा बात बड़ी बात नहीं है। 10 आदमी हर किसी के पास होते हैं, उसके रिश्तेदार परिवार है, पड़ोसी कोई भी होता है। तो जब ये 10 लोग भी 10-10 को बताएंगे 100 लोग हो जाएंगे। 100 लोगों के माध्यम से वही 3,000 का सामान लेना है और कंपनी का टर्नओवर हो जाएगा 3 लाख। 3 लाख कंपनी का टर्नओवर हो जाता है। 100 में 3,000 का गुणा करेंगे तो 3 लाख रुपए आ रहे हैं। ठीक है, आ रहा समझ में कि 3 लाख कैसे हो रहा है। अब ये 3 लाख रुपए में कंपनी हमें कितना कमीशन देती है? जब ये हमारे माध्यम से 3 लाख का टर्नओवर हो जाएगा कंपनी का, तो वो हमें देगी 30,000 रुपए पर मंथ। 30,000 रुपए पर मंथ। आप सोचो कि 30,000 कमाने के लिए आपने क्या किया? यहाँ पे खुद की दुकान बदली, 10 लोगों को बता दिया, अब वो 10 लोग भी 10-10 को बता रहे हैं और हमारे अकाउंट में 30,000 रुपए आ रहे हैं। और वो तब तक आएगा जब तक ये सामान लेते रहेंगे। ये सामान क्यों लेंगे? क्योंकि इनके भी सपने हैं, ये भी अपने सपनों के लिए काम करेंगे। सिंपल सी, अभी ये से सिस्टम चलता जाता है। ये 100 लोग भी 10-10 को बताएंगे, ऐसा तो है नहीं कि रुक जाएंगे, क्योंकि सब जो भी यहाँ काम करने आएगा वो अपने सपनों के लिए ही काम करेगा। क्योंकि सारी चीजें हमें बाहर से मिल जाती है, लेकिन हमारे सपने बाहर से पूरे नहीं हो सकते, है ना। कोई भी दुकान, कोई भी किराने की दुकान हमारे सपने पूरे नहीं कर सकती। 1 महीने छूट दे दिया ठीक है, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो। यहाँ से क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें कमीशन मिल रहा है, हमारे ही सामान खरीदने का नहीं, बल्कि हमारे माध्यम से जो लोग ले रहे हैं उसका भी कमीशन हमको मिल रहा है। ये बेनिफिट हो गया। यहाँ हमें कुछ लगाना नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, बस एक डिसीजन लेना है। अब ये 100 लोग भी अगर 10-10 लोगों को बताते हैं तो 1,000 हो जाते हैं। यहाँ पे 11,000, 11,000, 10,000, 10,000 करोड़, यानी कि यहाँ पे 3 करोड़ टर्नओवर हो जाता है। 1,000 में 3 करेंगे तो 3 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। 3 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी हमें देती है 3 लाख रुपए पर मंथ। सोचो कि 3 लाख कमाना कितना आसान है। 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा तो नहीं लग सकता, क्योंकि नेटवर्क बनाने में इतना टाइम नहीं लग सकता। 100 से 1,000 में जाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, मात्र 2-3 साल का टाइम लगता। और यहाँ हमारे जैसे लाखों लोग जो आज 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिनकी हजारों की टीम हो चुकी है, तो ये हम भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और रास्ता हो 3 लाख रुपए बिना इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के कमा लेने का, तो बिल्कुल ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है इसके अलावा, तो इस बिजनेस के अलावा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको इतना तेजी से पैसे दिला सके, समझ में आए। अब आपको डिसीजन लेना है कि ये है हमारे लिए या नहीं। देखो, जो अपने सपनों के लिए सजग होगा इंसान यहाँ काम कर सकता है, हर इंसान के बस की बात नहीं है।